साथियों, ये गोर परिवारवादी अभी भी कुछ नेताओं और माफिया से गठबंधन की पुरानी राजनीति में ही अटके पड़े हैं। हमारा गठबंधन जनता से होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? और ये गठबंधन पक्का होता है कि नहीं होता है? दूर दूर तक पहुंचने वाला होता है कि नहीं होता है? और इसलिए हमारा गठबंधन जनता जनार्दन से होता है। भाजपा का गठबंधन चंदौली के उन लाखों लाख गरीब दलित पिछड़े भाई बहनों से है जिनको इस कोरोना काल में हमने भूखे पेट सोने नहीं दिया। गरीब के घर में चूल्हा जलता रहे, गरीब का बच्चा रात को भूखा न सो जाए, इसलिए पिछले दो साल से हम मुफ्त राशन सुनिश्चित कर रहे हैं। भाजपा का गठबंधन चंदौली के हर नागरिक से है जिसके जीवन की हमें चिंता थी, जिसे हमने कोरोना का मुफ्त टीका लगाया, सबको लगाया, तेजी से लगाया। आपका टीका लगाया क्या? दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताइए, आपका टीका लगाया क्या? आप सबको टीका लगा है? आपको टीका लगाने का पैसा देना पड़ा क्या? पैसा देना पड़ा क्या? जेब से एक रुपया भी देना पड़ा क्या? इसीलिए तो मेरा और आपका गठबंधन है। भाजपा का गठबंधन चंदौली के उन 14,000 गरीब परिवारों से है जिनके पक्के घर के सपनों को पूरा करने के लिए हमने दिन रात मेहनत की है। भाइयों बहनों, जब 14,000 गरीब परिवारों को पक्के घर मिले, मतलब एक एक परिवार लखपति हो गया। आज घर की कीमत देखें, और जब घर बनता है, भाइयों बहनों, घर तो गरीब के लिए बनता है, लेकिन जब घर बनता है तो ईंटें किसके हाथ से खरीदते हैं? मध्यम वर्ग के परिवार के हाथ से। सीमेंट किसके हाथ से खरीदते हैं? मध्यम वर्ग के दुकान से। लकड़ी के सामान की जरूरत पड़े किससे खरीदते हैं? मध्यम वर्ग की दुकान से। और जब मकान बनता है, मजदूरी भी मिलती है, नौजवानों को काम भी मिलता है। भाइयों बहनों, सिर्फ गरीबों को मकान मिलता है इतना ही नहीं, उस मकान बनाने की पूरी प्रक्रिया में यहां के मध्यम वर्ग के लोगों की रोजी रोटी को भी ताकत मिलती है। भाइयों बहनों, भाजपा का गठबंधन चंदौली की उन 2.25 लाख गरीब बहन बेटियों से है जिनके चूल्हे में निकलता धुआं हमें तकलीफ देता था, जिनको हमने मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाया। भाजपा का गठबंधन चंदौली के उन लाखों गरीब दलित पिछड़े साथियों से है जिनकी सेहत की हमें चिंता थी, जिन्हें हमने 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज वाली आयुष्मान योजना की सुविधा दी। भाइयों बहनों, मैं भी आपकी तरह एक बहुत सामान्य परिवार से आता हूं।
और जो आप अनुभव करते हैं वो मैं अनुभव करके आया हूं। हमने देखा है गरीब परिवार में, किसी भी परिवार में अगर कोई गंभीर बीमारी आ जाए तो उस परिवार के सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं। और घर की मां अगर बीमार हो गई तो कभी परिवार को बताती नहीं है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है, वो पीड़ा झेलती है, परिवार में अपने बच्चों को नहीं बताती है, क्योंकि उसमें मन में रहता है कि अगर बीमारी का बच्चों को पता चलेगा तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे, खर्चा होगा, बच्चों के सर पर कर्ज लग जाएगा, इसलिए मां जीवन भर पीड़ा सहन करती है लेकिन बच्चों के सर पे बोझ नहीं होने देती है। ये मेरे देश की माताएं हैं, ये मेरे देश की बहनें हैं। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए क्या ऐसी मेरी माताओं को मैं पीड़ा में रहने दूं क्या, उनको पीड़ा सहने दूं क्या, मुझे पीड़ा से बाहर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? इन परिवारों को आरोग्य की सेवा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? क्या पहले की सरकारों का एक काम था कि नहीं था? क्या तब लोग बीमार नहीं पड़ते थे क्या? उनको परवाह ही नहीं थी। हमने 5 लाख रुपए तक बड़े से बड़े अस्पताल में जाकर के भी उपचार कराए, 5 लाख रुपया तक का खर्चा मोदी करेगा, ये मैंने कहा है। भाइयों बहनों, भाजपा का गठबंधन चंदौली के हर गांव के हर परिवार की बहनों से है, जिनकी गरिमा की रक्षा के लिए हमने पहले शौचालय बनाए और अब नल से जल देने के लिए हम तेज गति से काम कर रहे हैं। इस मजबूत गठबंधन के आगे गौर परिवारवादियों का मिलावटी गठबंधन एक पल भी नहीं ठहर सकता। ठहर सकता है क्या? ठहर सकता है क्या? यूपी चुनाव के हर चरण में लगातार यही दिखाई दे रहा है, जो खबरें आ रही है गौर परिवारवादियों का यूपी की जनता ने पत्ता साफ कर दिया है।